हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर एंड इन्वर्सल इंडिकेटर। तो प्रैक्टिकल के लिए हमें सैंपल चाहिए। वी हैव टेकन अ फोर डिफरेंट सैंपल और सॉल्यूशन। देयर इज द फर्स्ट डाइल्यूट HCl, डायल्यूट NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। और रिक्वायरमेंट टेस्ट ट्यूब, पीएच पेपर, इन्वर्सल इंडिकेटर एंड फोरसेप। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर एंड इन्वर्सल इंडिकेटर। तो हम पहले यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेते हैं HCl। मैंने यहाँ पे पहले टेस्ट ट्यूब में HCl लिया है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में नहीं तो डाइल्यूट NaOH, सॉरी, थर्ड टेस्ट ट्यूब सोडियम बाइकार्बोनेट, इन फोर्थ टेस्ट ट्यूब एसिटिक एसिड, जो लास्ट टेस्ट ट्यूब बचा है उसमें हम थोड़ा वाटर सैंपल लेके देखें। मैंने लास्ट वाले टेस्ट ट्यूब में वाटर सैंपल लिया है। तो हमें इन पांच सैंपल का पीएच चेक करना है विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर एंड इन्वर्सल इंडिकेटर। तो इसके पहले हमें एक टेबल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं पीएच पेपर के जरिए हम पीएच चेक करके देखेंगे। मैंने यहाँ पे पीएच स्ट्रिप लिए है। तो पीएच पेपर हम पहले टेस्ट ट्यूब में इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोरसेप। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, द रेड कलर इज डेवलप ऑन पीएच पेपर। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन पीएच पेपर, विच कलर डेवलप, रेड। नेक्स्ट सॉल्यूशन, विच कलर डेवलप, ब्लू कलर डेवलप ऑन सेकंड सॉल्यूशन, देयर इज अ NaOH, देयर इज अ ब्लू कलर अपीयर। थर्ड सैंपल, ब्लू कलर डेवलप सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लू कलर डेवलप। फोर्थ सैंपल देर इज एसिटिक एसिड। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, रेड कलर इज डेवलप्ड। लास्ट सैंपल, नो कलर इज चेंज इन लास्ट सैंपल, देर इज वाटर, नो कलर चेंज। राइट योर ऑब्जर्वेशन। NaOH सेल में रेड कलर डेवलप हुआ है, NaOH में ब्लू कलर डेवलप हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट में ब्लू कलर डेवलप हुआ है और एसिटिक एसिड में रेड कलर डेवलप हुआ है।
और वाटर सैंपल में कोई कलर डेवलप नहीं हुआ है, मतलब नो चेंज इन कलर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के जरिए चेक करेंगे। I have taken a universal indicator in first solution. Write, note down your observation in first solution there is a red color develop. Second solution color develop. In third solution blue color develop. Last solution रेड कलर डेवलप। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। लास्ट सैंपल रिमेनिंग ग्रीन कलर इज डेवलप ग्रीन। ओके ऑन द बेसिस ऑफ द कलर चेंज वी कैन आइडेंटिफाई द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। वी कैन सी देर आर डिफरेंट कलर डेवलप इन द टेस्ट ट्यूब। इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब देर इज अ रेड कलर डेवलप। We can say the approximate pH of this first solution there is a HCl. In second test tube you can match the approximate pH near about 10 or 11. Fourth approximate pH also near about 10 11. Approximate pH near about 4. Approximate color आप देख सकते हैं यहाँ पे green color develop हुआ है। water sample था इसका pH 7 4 we can say the 4 pH indicate there is a acid. The pH 11, this is a base. pH 10, this is also base. pH 4, this is acid. And pH 7, you know the pH 7 has a neutral. We know below the pH 7 the solution is acidic, above 7 there is a base. On the basis of approximate pH we can identify the solution whether it is acid or base. Thank you.